कौन है आप भैया? आदाब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समरीन ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेरा मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से। तो हम लोग आए हैं एग्जीबिशन में, और तो हम आए थे संडे में दिन में एग्जीबिशन घूमने। देहरादून में लगभग हर 15-20 दिन में एग्जीबिशन लगती ही रहती हैं, तो ये वही एग्जीबिशन है जिसमें हम एक दिन रात में आए थे। तो हमने यहाँ से कचौड़ी खरीदी थी और बहुत ही टेस्टी थी। तो संडे में इन्होंने बोला था कि हम लोग जो है कचौड़ी का नाश्ता करेंगे, तो बस हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर यहाँ पर आ गए थे। तो हम लोगों ने सोचा ऊँट की सवारी करें, और आप लोग मानेंगे नहीं, इस ऊँट पर बैठ के मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जो हूँ कहीं की महारानी हूँ और अपनी सल्तनत घूम रही हूँ। सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया ऊँट पे घूम के। और मुस्तफ़ा के कहने पर मैं फिर इस वाले झूले पे बैठ गई। उस दिन रात पे तो मैं बैठी थी तो मुझे ठीक लगा, लेकिन आज इस झूले में बैठ के मुझे इतना चक्कर आ रहा था, और इस वक्त तो चक्कर आ रहा ही था, इसमें इससे उतरने के बाद पूरे दिन और रात तक मुझे चक्कर आता रहा, मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई। तो हम लोग जो है इस तरीके से एग्जीबिशन में इंजॉय कर रहे थे, और इधर ये इस तरीके से इंजॉय कर रहे थे, हमें शॉपिंग करा रहे थे और शॉपिंग का सामान पकड़े हुए थे। खैर ये तो मैं मजाक कर रही थी, अब मैं अपनी कैंसर की जर्नी आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने कहा था कि कीमो पोर्ट ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कीमो पोर्ट कब ठीक करते, क्योंकि कीमो करने के दूसरे दिन से मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी, और WBC और प्लेटलेट्स वगैरह इतनी गिर जाती थी, इन्फेक्शन के चांसेस थे। तो डॉक्टर कहते थे कि अगर हम इस बीच करेंगे सर्जरी तो इनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस है। तो डॉक्टर ने बोला कि जब ये थर्ड कीमो के लिए आएंगी तो पहले हम इनका सर्जरी करेंगे, करीब 1 घंटे में इनकी सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद कीमो करा के घर चली जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ, मैं थर्ड कीमो के दिन जब कीमो कराने गई तो पहले डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की, और सर्जरी की उसके बाद फिर मेरी कीमो हुई। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हमने एग्जीबिशन से लिया है, बहुत ही अच्छा है, हमने बुक करा दिया था तो ये हमें देने आए हैं। ये एक स्टीम कुकर है, और इसमें कई चीज़ एक साथ स्टीम हो सकती हैं, इसमें सूप बहुत अच्छा निकलता है, आपके आलू अंडे सब चीज़ बॉयल हो सकते हैं, और स्प्राउट्स वगैरह भी बहुत जल्दी बॉयल हो सकते हैं, और इसमें मोमोज वगैरह भी हम बना सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो हम लोगों ने एग्जीबिशन से ही इसको ले लिया था। तो वहाँ पे इन्होंने वो ये बुक कर दिया था और आज ये हमें देने आए हैं, तो ये समझा रहे हैं हमको। तो अगर ये हिल्टन का है और अगर किसी को पसंद आए तो ये अमेज़ॉन से भी ले सकते हैं, मैंने देखा है कि अमेज़ॉन पर भी मिलता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक साथ हम कई चीज़ें बना सकते हैं, और इसमें जो सूप निकलता है, जैसे हम सब्जियों को बहुत अच्छे से वॉश करके इसमें एक इसके एक डब्बे में रख देंगे, और एक छोटा डब्बा दिया है तो वो जो है बिना सब्जी में पानी डाले उसका जो है सूप उसमें निकल निकल के गिरता रहता है। और उसमें एक जो है जैसे वाटर कूलर में टैप होती है उसी तरीके की, ये एक जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है टैप है, तो इसको खोल के हम सूप निकाल सकते हैं। मैं जिस दिन सूप निकालूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। करेले रखे, करेले का या सब्जी होगा, ये बुकलेट है ना, बेटा देखा ना, बुकलेट 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 ये इसमें बना हुआ है ना, अब पहला जाल लगा हुआ है, दूसरे में सब्जी डली हुई है, तीसरे में उसमें वो निकलेगा। हाँ, तो ये इसमें होल होते हैं, देखिए तो ये सूप जो होगा ना ये आपका इसमें आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। ये तो जैसे आपने कम पीना है तो सिंगल जाल लगा लीजिए, अगर ज्यादा यूज में लेना है तो आप ये दूसरा जार भी लगा दीजिए इसके ऊपर, और सब्जियां डाल दी और उसका सूप बन जाएगा। दोनों में सब्जियां रखी? हाँ दोनों में, जैसे इसमें बना हुआ है। बॉइल्ड सब्जी भी यूज हो जाएगी? बॉइल्ड नहीं, कच्ची सब्जी, मतलब बॉइल्ड जो हो, हाँ जो सब्जी जो बचेगी ना वो भी यूज में आ जाएगी आपके, ठीक है। आप इसे ऊपर से कवर कर दीजिए इस
तो आपका सूप आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे आपने सूप नहीं निकालना, सब्जी स्टीम करनी है सिर्फ, तो उसके लिए इसमें पत्ता गोभी या फूल गोभी कोई सी भी सब्जी हो डालने के बाद ऊपर से ऐसे कवर कर दीजिए, तो उसका पानी भी आ जाएगा यहाँ पे और सब्जी भी मिल जाएगी आपको, दोनों चीज उसमें आ जाएगी। ये तो सूप और सब्जी का हो गया। अब एक चीज, सब्जी बनेगी कैसे इसमें? ग्रेवी वाली जैसे सब्जी आपने बनानी है ना इसके अंदर, तो ग्रेवी वाली सब्जी के लिए जैसे आपने सपोज के लिए राजमा या छोले बनाने, तो वो पहले आपने बॉईल करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि राजमा छोले बहुत हार्ड होते हैं, स्टीम से बहुत टाइम लगेगा करने में। ठीक है, बॉईल करने के बाद आपने इसमें कट घर का बर्तन रखना है, राजमा डालना है, कोई सा भी स्टील एल्यूमिनियम कोई सा भी, ये इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ लेना हो, कोई भी बर्तन कोई भी, ये स्टीम है ना मैडम, स्टीम से कुछ ही खराब नहीं होगा, उसमें मसाले वगैरह सब कुछ डाल, हाँ सब सब उसी में हो जाएगा। ऊपर से घी डाल दीजिए, तेल थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, और उसे मिक्स करके ऐसे बंद कर देना आपने। इसमें फ्राई नहीं होगी सब्जी जो आप कढ़ाई में रखते हो, फ्राई नहीं होगी इसमें, बॉईल वाला है, इसमें स्टीम से पकेगी वो, मतलब भाई तेल नहीं है ना। अब जैसे चिकन होता है, चिकन में फैट होता है, तो इसमें चिकन डाल दीजिए इस जार में, चिकन का जितना फैट होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, उसके बाद जो चिकन बचेगा ना, जहाँ उस चिकन को चाहे कढ़ाई में पकाना चाहोगे तो जहाँ 4-5 चम्मच ऑयल डालते थे, तो आप उसमें आधा चम्मच तेल डाल के फ्राई कर सकते हो। अगर उसमें नहीं करना, इसी में बनाना है, या वो अच्छी तरीके से पक जाए, तो इसमें बर्तन रख के चिकन डालिए, मसाले डालिए सारे, बटर डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, तो वो स्टीम चिकन हो जाएगा आप पे। जैसे ये बुकलेट में ना चिकन की भी रेसिपी दी हुई है। इब्राहिम क्या बन गया? प्रेस वाला बन गया। प्रेस तो करिए, प्रेस वाले भैया अच्छे से प्रेस कीजिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बराबर में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।